आप देख रहे हैं दखल न्यूज। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। मध्य प्रदेश में जहां एक ओर युवा विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, वहीं गांव में रहने वाले बच्चे शिक्षा के लिए मोहताज हैं। सरकारें कोई भी हो, मगर इन बच्चों पर ध्यान किसी का नहीं जाता। कांग्रेस की नई सरकार बनी है और सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई घोषणाएं भी की हैं। 70% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को एक सरकार साइकिल बांट रही थी, तो कांग्रेस ने स्कूटी बांटने का वादा कर दिया। सरकारों ने यह जानने की कभी कोशिश नहीं की कि स्कूलों का हाल क्या है। मध्य प्रदेश में शिक्षा का असल हाल क्या है, इसकी बानगी नरसिंहपुर जिले के चीचली विकासखंड के पुआरिया गांव के स्कूल में देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी। तो मंत्री जी, देख लीजिए मध्य प्रदेश की शिक्षा की असलियत, किस तरह नन्हे बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, किस तरह शिक्षक प्रशासन को ठेंगा दिखाकर मजे मार रहे हैं और इसकी सजा इन नन्हे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। मंत्री जी, राजधानी में बैठकर कागजों पर नई नई योजनाएं बनाने से कुछ नहीं बदलेगा, इन योजनाओं को अमल में लाने के लिए जमीनी स्तर पर जाना पड़ेगा। आपको बता दें, नरसिंहपुर को आज से 22 साल पहले 1990 में हिंदी भाषी राज्यों के परिपेक्ष में संपूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया था। आज पूर्ण साक्षर जिले की हकीकत जानकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे कि किस तरह बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है, बच्चों के भविष्य को कैसे दांव पर लगाया जा रहा है। हालत सुधरे भी तो कैसे, स्कूल के शिक्षकों का स्कूल आने का कोई समय निर्धारित ही नहीं है। बच्चे घंटों स्कूल के बाहर खड़े होकर शिक्षकों का इंतजार करते रहते हैं। स्कूल खुलने की आशा में स्कूल के बाहर ही बैठे रहते हैं। शिक्षक हैं कि अपनी मनमानी करते रहते हैं और घंटों बाद स्कूल आते हैं या नहीं भी आते। पुआरिया प्राथमिक स्कूल के बाहर बैठे बच्चे शासन और प्रशासन की सारी योजनाओं की पोल खोल रहे हैं। इन बच्चों का चेहरा देख प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी क्या कहेंगे आप? शायद आपको इन बच्चों पर तरस आ रहा होगा या खुद को शर्मा रही होगी। अब आगे भी देखिए, ऐसा ही हाल पुआरिया की माध्यमिक शाला का भी है। समय पर स्कूल में शिक्षक नहीं आए तो इंतजार करने के बाद थककर बच्चों ने खुद ही स्कूल खोल लिया। ये बच्चे वैसे तो स्कूल में पढ़ने आए हैं, मगर ये क्या, स्कूल की साफ सफाई भी इन बच्चों को करनी पड़ रही है। देखिए किस तरह नन्ही बच्चियां झाड़ू लगा रही हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान मजाक सा लगता है। इस माध्यमिक शाला में बच्चे ही स्कूल लगा लेते हैं, खुद ही सफाई कर लेते हैं, खुद ही प्रार्थना कर लेते हैं और खुद ही शिक्षक बनकर एक दूसरे को पढ़ा भी लेते हैं। शिक्षक तो बस तनख्वाह लेते हैं। जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने ये सब होता रहा है, लेकिन अधिकारी हैं जिन्हें शर्म नहीं, क्योंकि उनके बच्चे तो यहाँ पढ़ते ही नहीं। यहाँ तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है साहब? आप अधिकारी तो बस मोटी तनख्वाह लेते रहिए और घर बैठकर मजे कीजिए, भविष्य तो देश का खतरे में। पुआरिया के दोनों स्कूल प्राथमिक और माध्यमिक का हाल ये है कि दोनों स्कूलों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छ भारत की उलट ही तस्वीर देखने को मिलती है। बच्चे गंदगी में पढ़ने और गंदा पानी पीने को मजबूर है। दखल न्यूज की टीम स्कूल में शिक्षकों के इंतजार में 2.5 घंटे बैठी रही, पर शिक्षक नहीं आए। 2.5 घंटे बाद एक शिक्षिका आई और अपनी सफाई पेश करने लगी। स्कूल में ही लाखों रुपए की लागत से बना शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। बच्चे गंदगी में पढ़ने को मजबूर हैं।
जब इस बारे में स्कूल की एक शिक्षिका से पूछा गया तो वह अपनी गलती ना मानते हुए अपनी साथी शिक्षिका पर आरोप लगाती रही और बचती रही। शकीला बहन जी आती है 1 बजे आने, कभी 12 बज जाता है, उनकी गाड़ी गोटोरिया में रखी रहती है, वो भी उधरी से आती है, तो 12, 12:30, 12:15 तक वो आ जाती है। कहाँ से आती हूँ? वो गाडरवारा से आती, मैं भी गाडरवारा से आती हूँ। तो आप टाइम पे आ जाते हैं? हाँ जी, हम टाइम पे आ जाते हैं। और शकीला मैडम जो है वो लेट आती हैं जी, हाँ 12:00-1:00 के लगभग। हाँ, शनिवार को 1 बजे आई थी, अब मैं तो थी नहीं, छुट्टी पे थी मैं 2 दिन की। मैडम शौचालय की 1,17,000 से बना है जी, जी। उसकी क्वालिटी भी बहुत ही लो है जी, और निर्माण में बहुत लापरवाही बरती गई है, गंदगी भी है जी, तो इसमें क्या कहेंगे? तो सर इसकी एक किस्त नहीं आई है, फिर भी मैंने उसको कंप्लीट करवा दिया गया है, अने जो आने 1,00,000 कितना है, 17,000, तो उसमें से 1 किस्त उनकी रह गई। कितनी रह गई? अब वो तो जानकारी नहीं है कितनी रह गई एक किस्त, पर 1 किस्त रह गई। निकला कितना था? निकला था 75 निकाला था, एक बार 50 निकाला था। तो वो तो ज्यादा हो गए, 1,17 कीमत है, आप बता रही 1,25 निकली है। नहीं तो दोनों स्कूल का निकाला था हम लोग, उधर की भी बनी थी यहाँ। नहीं इसका बता, इसका है 75 निकाला था और हाँ 75 निकाला था। अरे मोहतरमा जरा शर्म करो, जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आप मोटी तनख्वाह ले रही हैं, कम से कम उनके सामने तो झूठ मत बोलो, झूठ बोलकर कैसे नजरें मिला पाओगे इन बच्चों से। अब इस मुद्दे को दखल न्यूज ने जिले में बैठे उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा तो अधिकारी भी जांच का हवाला देकर बचते नजर आए। नहीं देखिए, जो शाला परिसरों में शौचालय है उनको स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, प्रतिदिन सफाई होना चाहिए, और इसके लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। इसके बाद भी यदि किसी शाला में इस तरीके की स्थिति आती है तो हमारे पास जन शिक्षक हैं, BAC हैं, BRC हैं, ये नियमित चेक करते हैं, जाँच करते हैं और उसके बाद में उनको हम दुरुस्त भी कराते हैं। अभी हमारी कई शालाएँ *1 रेटिंग की हैं, उनको हम *2, 3, 4, 5 स्टार रेटिंग तक लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा अभियान ये है कि हम अभी इस बार इन सभी शालाओं के शौचालय को ठीक करें। साहब कब तक बचोगे? जनता जवाब मांगेगी तो क्या कहोगे? कब नींद खुलेगी? कब जागोगे? बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब देखना ये है कि प्रशासन कब तक हरकत में आता है, आता भी है या नहीं। ये ऐसे ही इन अधिकारियों को देश के भविष्य के साथ खेलने की खुली छूट दे दी जाती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।